लो जी, सवेरे के 5 बजे करीबन 6-6 बज रहे हैं, लेकिन ठंड इतनी है कि पूछो मत। और सनराइज हो रहा है, आज बड़ा काम पड़ा है अतुल को। ये शादी का सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, यहाँ समेटना है सारा, भाई सफाई सफुई करनी है। तो हेलो दोस्तों का गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो शादी ख़त्म हो गई है, तो कल रात को लेट होके वापस आते हुए जो विदाई के बाद, तो आज समेट रहे हैं जो भी सामान लगा हुआ है यहाँ पे। तो आज थोड़ी सी सफाई वगैरह कर रहे हैं और जो सामान है उसको सेटलमेंट कर रहे हैं जो यहाँ वहाँ से लेके आए थे। तो चलो दिखाते हैं आपको आज का दिन। तो पहले जो महिला मंडल के बर्तन वगैरह थे वो लेके गए, अब ये थोड़े से बचे हैं, बाकी ये सामान है सारा निकाल के जहाँ जहाँ से लेके आए हैं वहाँ वहाँ देना पड़ेगा। तो आज काफ़ी मेहनत होने वाली है। ये देखो हैप्पी लगा हुआ है टंकी साफ करने में। लो जी अब हटा रहे हैं टपरी 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 क्या बोलते हैं इसको, तीन इसकी छत हटा रहे हैं। और थोड़ी देर में ये भी बंद कर देंगे जो धाम जो यहाँ पे धाम बनी थी, मतलब ये पहाड़ी रसोई टेम्परेरी जुगाड़ था ये पहाड़ी किचन जहाँ पे धाम बनी थी यहाँ पे। तो आधा सामान तो हमने हटा दिया, बाकी रहा है तो अबू लबू भी आ गए हैं, तो करते हैं फिनिश इसको। लो जी किचन हमने उतार दिया है, अब इसको लगा रहे हैं ठिकाने। पर्दे भी उतर रहे हैं, अब लेके जा रहे हैं इनको। दो दो लेके जा रहे हो, लो जी आज बन रही है पिकनिक। तो लो जी आज पिकनिक में बन रहा है मटन, मटन ले आए हैं क्योंकि लड़के थके हैं सारे काम करके, बनाते हैं यहाँ बाहर क्योंकि बाकी तो कोई खाता नहीं घर का, तो हम भी 2-4 लोग हैं। तो आज कुछ करके बना रहे हैं, तो जी बन रहा है मसाला, ये कुंडी में डाल के इसको पीसा जाएगा। इसमें डाल दिया अदरक मिर्च और लहसुन, तो इसमें अच्छा खासा रेसिपी मसालों की रेसिपी बन जाएगी। तो जी हमारा कुक खतरनाक शेफ है, ये बना रहा है मटन जो टमाटो मटन ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਨਾ ਇਹ ਕੱਢੀ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਗੁਣੇ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਯਾ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਲਗਾ ਦੇ ਆਉਂ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਪਿਆਜ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਾਫ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬੜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ बड़ा स्वाद
मटन बन रहे हैं अपने अपने तरीके से। देखो ना मटन ऐसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं हेलो दोस्तों, तो वेलकम। तो दोपहर का टाइम हो गया है, करीबन 1 बज रहा टाइम। तो यहाँ घर के पीछे आ गया थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तेज होती है। और हल्की हल्की हवा चली हुई है, तो यहाँ तूफान चला रहता है। एक साइड से धूप गर्म करती है, दूसरी साइड से हवा ठंडी करती है, तो ये चला रहता है पूरा दिन यहाँ पे। लो जी शाम हो गई है, तो चलते हैं थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं गांव में, तो आपको दिखाता हूँ गांव की गलियाँ। तो ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है हमारे पास में, ये ताई जी का घोड़ जहाँ जानवर वगैरह बांधे जाते हैं, गाय भैंस, ये भी गाय पाल रखी है उन्होंने। ये जो रास्ता है जो ऊपर जाता है घर के लिए, और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है। लो जी ये रास्ता जाता है नीचे खेतों की ओर, और ये ऊपर खेतों की ओर, और ये पुराने घर की ओर। तो चलो आज आपको ले चलते हैं ऊपर की ओर। तो ये पहले के रास्ते बने हुए हैं पत्थर के, काफी पुराने, 100 साल से करीबन पुराने रास्ते हैं ये, हमारे दादा परदादा ने बनाए हुए, लेकिन अभी के वैसे ही हैं। तो ये है गांव का टैंक जो पूरे गांव के लिए पानी की वाटर सप्लाई जाती है, और ये है पीपल का पेड़ जहाँ पे शादी वगैरह की पूजा होती है, और ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, इसको कहते हैं पीपल या भेड़ा, पीपल का बेड़ा, मतलब पीपल का पेड़ है ना यहाँ पे, तो कुछ ऐसे है। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, ये काफ़ी दूर दूर तक दिखता है यहाँ से। तो इसके आगे चले जाएं तो खेत है, यहाँ भी रास्ता कुछ ऐसा ही है, यहाँ नीचे भी खेत है, बट आजकल इनको कोई लगाता नहीं है तो ऐसे ही पड़े हैं। ये भी पीपल का पेड़ है, ये भी काफी बड़ा पेड़ है। तो ये है कुछ रास्ता इस तरह, तो इस तरह का कुछ व्यू है पीछे का। तो ये लो जी यहाँ से खेत शुरू है, अभी कनक थोड़ा लेट उगाई है यहाँ पे, तो अभी काफी छोटी है। लो जी यहाँ पे भी ये मेन खेत है, तो यहाँ पे सूअर वगैरह जानवर खेती खराब कर जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ये बाड़ वगैरह दिए जाते हैं, हमारी भाषा में जो बोलते हैं, जो जंगला वगैरह लगाया जाता है बाहर से कि कोई चीज जानवर घुसे ना अंदर। तो यहाँ पे भी सब्जी वगैरह उगाई गई है, तो पहले तो इनको बैलों के साथ जोता जाता था खेतों को, मतलब खेती पहले बैलों के साथ की जाती थी,
तो अब जो है बैल तो रहे नहीं किसी के पास, तो यहाँ पे ट्रैक्टर आते हैं। तो इस बार ट्रैक्टर लेट आए तो खेती भी लेट हुई, अदरवाइज़ ये कनक काफ़ी बड़ी हो जाती थी इस टाइम तक। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है। तो चलो आगे आपको अमेजिंग सा व्यू दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखता है, ये हमारे खेत हैं पूरे गांव वालों के। तो काफ़ी खेत हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ी खेती होती है। तो लेकिन बारिश, थोड़ा बारिश करके यहाँ पे कभी कभी इतनी खेती नहीं हो पाती। और पीछे का व्यू दिखाऊं आपको, ये पहाड़ों का, और ये सामने कांगड़ा बैजनाथ बॉर्डर पे ही है। तो ये देखो कितनी सिक्योरिटी करी गई है खेत की, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह उगाई गई है, साग वगैरह। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी जानवर आते हैं, मोर सुअर वगैरह, तो वो खेती ख़राब कर जाते हैं, मंकी वगैरह। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। तो अंधेरा भी हो रहा है, तो वापस चलते हैं घर की ओर, क्योंकि रात को कोई पता नहीं होता यहाँ पे, शेर चीते घूमे रहते हैं यहाँ पे, जंगली जानवर। तो चलो जी वापस चलते हैं फिर घर की ओर, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा काम रिस्की रहता है, क्योंकि जंगल है थोड़ा सा। ये दिखाऊं मैं आपको नीचे, तो जानवर वगैरह काफ़ी रहते हैं यहाँ पे, ख़तरनाक वाले। आपने देख ही लिए होंगे खेतों पे कि गड्ढे डाल दिए उन्होंने सुअरों ने, क्योंकि खेती वैसे ख़राब कर जाते हैं वो।